हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ की कृपा से आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ मुक्तिनाथ मंदिर। तो मुक्ति बाबा का बहुत दिन हो गया, तो बहुत दिनों से मैंने दर्शन भी नहीं किया था। और भैया भाभी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए उन लोग के साथ मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। और अच्छा लगता है, कोई भी आता है तो कहीं घुमाने ले जाने में, दिखाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही मैं आई हूँ यहाँ बाबा का दर्शन करने। और देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना मंदिर, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत सारे कबूतर मिलेंगे आपको देखने के लिए, और लोग यहाँ दाना वगैरह डालते रहते हैं कबूतरों को। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत कबूतर दिखाई देगा, बहुत अच्छा भी लगता है देख के। और यहाँ पे अब हम लोग अंदर आ गए हैं मंदिर के। और पूजा अंदर दर्शन जाने करने जाने से पहले बाहर ही धूप दिया जला लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ अभी बाहर धूप दिया जला के उसके बाद अंदर मैं जाऊँगी, हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो आप लोग को भी मैं दर्शन कराऊँगी। ऐसे तो मना है अंदर वीडियो बनाना, फिर भी मैंने चुपके से थोड़ा सा क्लिप आप लोग के लिए ले लिया था। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, हम लोग भी यहाँ धूप दिया जला लेते हैं, उसके बाद आराम से अंदर पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर आगे मिलते हैं आप लोग से। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह हम मैं चली आई शिवसागर मंदिर, और मेरे भैया भाभी आने वाले थे तो उन लोगों को रिसीव किए और फिर से मंदिर घूम आ गए बाबा का दर्शन करने। सोचे बाबा का दर्शन भी कर लें आके, तो वही मंदिर में आए, पूजा वगैरह किए और यहाँ पर थोड़ा सा किसी को घुमा दे रहे थे। वो मंदिर पहली बार आया है वो, तो वही दिखा देते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट भी जाना है, कुछ कुछ काम है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्या क्या होता है देखिएगा मेरे साथ, और आपको भी बाबा का दर्शन करवा देते हैं। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा मेरे साथ। और ये देखिए मंदिर, और इधर बैठी है भाभी पिशु। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बुआ थोड़ा इधर भी देख लीजिए, अभी भैया भाभी को लेके आए हैं प्रिंस प्राची के घर, और अभी फिर उनको मुझे मार्केट भी जाना है। तो यहीं पे भैया भाभी रेस्ट ले रहे हैं, तब तक हम घूम के आ जाते हैं, देखते हैं रिक्शा मिलता है कि नहीं। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बाप रे हालत ख़राब हो जा रहा है। तो राखी गिफ्ट लेना है बाबू के लिए, क्या क्या लेते हैं देखते हैं मार्केट में जाके।
तो फाइनली इतने धूप में मुझे मिल गया रिक्शा, और क्योंकि मुझे विशाल जाना था तो विशाल टाउन से थोड़ा दूर है, इसलिए मुझे फिर विशाल में पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ मैं आई हूँ बाबू के लिए गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। तो ये ब्लॉग जो था ये राखी के पहले का ब्लॉग है, जिस दिन भैया भाभी आए थे उस दिन का ब्लॉग है, क्योंकि राखी आ गया था इसलिए मैंने राखी का ब्लॉग पहले अपलोड कर दिया। ये सब ब्लॉग मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ। अभी तो पूजा वगैरह का ब्लॉग भी मेरा बहुत सारा बाकी है, वो सब भी मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाबू के लिए गिफ्ट लेने, वो अपनी बहनों को दीदी को राखी का गिफ्ट देने वाला था, तो फिर मुझे ही लेना था, तो वही मैं यहाँ पे आ गई और बहुत सारा गिफ्ट वगैरह ले ओके फिर मैं वहाँ से मैं गई फिर प्रिंस और प्राची के घर। तो आगे चलिए आप लोग ब्लॉग में बने। ये मैंने दो बोतल लिया था वो मेरा विशाल ने छोड़ दिया। का स्विमिंग में मिला है, बताओ कहाँ मिला है बताओ। सागर में मिला है। हाँ, क्या चीज में? 50 फीट स्टाइल। हाँ, स्विमिंग में ना। हाँ, और इसके बाद और क्या लेके आई है? सिल्वर है। सिल्वर सेकंड सिल्वर लेके आई, अब गोल्ड लेके आएगी इस बार ना। तो इस बार अब होगा तो हम भी जाएंगे। हाँ, इस बार होगा तो हम भी जाएंगे देखने, वहाँ वीडियो बनाएंगे तुम्हारा, ठीक है? होगा, अभी मोरन में है फिर से। हाँ ठीक है, मोरन जाएंगे। लाइक करने के लिए आंटी का चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और बेल नोटिफिकेशन बंद दबाएगा एंड सब्सक्राइब हो। हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। हेलो, तो अभी खाना खाने बैठे हैं तो शिपसागर से आ गए, और आने के बाद वहाँ से आए तो फिर डीमो में भी थोड़ा सा मार्केटिंग करना था तो वो सब किए, उसका घर आए। फिर आज तो पिंकी की चली गई है राखी बांधने, तो फिर खाना पीना सब कोई खाना पीना खा के सब सो गए। अब अभी हम भी अभी खाना खा रहे हैं, और कुछ इधर कर रही है अपना भैया का गिफ्ट पैक, उसको खुद करना चाहिए तो बहन ही करके दे रही है भाई को। तो कल सब बहनों के लिए गिफ्ट लेके आए थे, ये पर्स लेके आए थे, किसी के लिए कुर्ती लेके आए, किसी के लिए कुछ छे, तो सबके लिए अलग अलग है। तो कैसा है पर्स बताइएगा आप लोग, तो कभी गिफ्ट पैक हो जाएगा तो कल सुबह बाबू देगा। और कल सुबह जल्दी राखी बांधना है, 7 बजे तक कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है पूरा दिन ही है, देखते हैं कल कैसे क्या सेलिब्रेट करता है लोग राखी। और तो चलिए बस यही छोटा सा ब्लॉग था। आज शिपसागर गए थे, भैया भाभी आने वाले थे, मेरे भी भैया आए हैं। 23 मेरे शादी का 23 साल हो गया, 23 साल में पहली बार मेरे भैया मेरे घर आए हैं राखी बनवाने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है। और अभी इन लोग सो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार भैया मेरे घर आए हैं मुझसे राखी बनवाने। तो मेरा तो कल स्पेशल राखी है, तो कल का ब्लॉग तो ज़रूर बनेगा, आप लोग इस बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और आज के ब्लॉग को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल राखी के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।